नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑटो गेजर्स में। और जैसा आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M20 की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में और देखेंगे कि क्या यहाँ पर एसफोल्ट 9 और PUBG सही तरीके से चलता है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हैं, हमने पहले भी लाइव स्ट्रीम लेके आ चुके हैं, वहां पर PUBG इतना कमाल नहीं दिखाया था। तो आज एक और बार ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए पता लगाते हैं इस गेमिंग रिव्यू के बारे में। चलिए दोस्तों, अब पता लगा लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में और देख लेते हैं क्या हमारा एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं। ऐसा कोई नया अपडेट नहीं आया, परंतु सेटिंग चेंजेस करके देखेंगे और देखेंगे PUBG का किस प्रकार से एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही साथ देखेंगे एसफोल्ट 9 किस प्रकार से मिलता है। तो इन दो गेम को आज हम खेलने वाले हैं और देखते हैं किस प्रकार से ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलेगा। उससे पहले देख लेते हैं क्या हमारे कोई डेडिकेटेड यहाँ पे फ्यूचर मिलते हैं गेमिंग के लिए, जिससे हमारा एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले अगर हम चले बाहर, तो यहाँ पर आप जैसे बाहर जाते हैं और अगर होम को दबाते तो सीधा आपको देखने मिलता है गेम लॉन्चर, जिसके तहत यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गेम लॉन्चर को खोलते हैं और पहले हम इससे बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे गेम लॉन्चर पे जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे हमने दो गेम डाल रखे हैं, SOL9 और PUBG। तो ये आपको देखने मिल रहा है। फिर नीचे आपको मिलता है कि ये परफॉर्मेंस का ऑप्शन, जिसे आप क्लिक करते हैं, हो जा तो आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसे हम पहले बंद कर देते हैं और यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें है बैलेंस मोड, पावर सेविंग मोड और परफॉर्मेंस मोड। तो ये आपको मिलेंगे। अगर आप अपने गेम को और बेहतर करना चाहते हैं या अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इसको क्लिक कर सकते हैं और फिर गेम के अंदर जाके कुछ इस प्रकार से आपको ओवरऑल सेटिंग मिलेगी। तो यहाँ आप देखेंगे 60 FPS आपको मिल रही है मैक्सिमम फ्रेम रेट, जो कि एक लाजवाब चीज है। और यहाँ पर बात करें और क्या क्या चीजें देखने मिलती है, तो चलिए खेलते हैं पहले एसवर्ल्ड 9 और देखते हैं किस प्रकार से एसवर्ल्ड 9 का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहां पर हम साउंड बंद कर रहे हैं। साउंड बंद करने का कारण यही है कि कहीं कॉपीराइट इश्यू ना आ जाए, तो इसलिए हम साउंड इसकी बंद रखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने इसकी हाई क्वालिटी कर रखी है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम फ्रेम से बाहर ना निकल जाए और दिखा ना पाए। तो कोशिश पूरी रहेगी, परंतु कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पहले चलते हैं सेटिंग्स में, दिखा देते हैं किस प्रकार से मिलती है। तो गेम सेटिंग, साउंड एंड डिस्प्ले, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमने सेटिंग इसकी कर रखी है। तो चलिए अब चालू करते हैं गेम को और देखते हैं किस प्रकार से गेम एक्सपीरियंस मिलेगा। तो प्ले, प्ले, नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्ले। सो यप, तो ये देखिए हमने गाड़ी को टक्कर मारी और देखिए ओवरऑल अभी तक कहीं कोई हमारे को फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिला है। हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे से दिखे। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं ओवरऑल कुछ इस प्रकार से आपको गेम मिल रहा है। और अब हम इस गेम को पूरा करके आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस गेम खत्म हो चुका है और ओवरऑल आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलती है। अब चलते हैं इसके रिकॉर्डर में और यहां पर आपको दिखा देते हैं क्या मिलता है रिकॉर्डर के अंदर। तो यहां पर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन मिलता है गेम टूल का, इसके अंदर आप नो अलर्ट कर सकते हैं, जिसके तहत आपके कोई भी मैसेज वैसेज नहीं आएगा जब भी आप गेम खेल रहे हैं। तो ये नहीं है कि भैया फोन आ रहा है तो परेशान कर रहा है या मैसेज आ रहा है तो परेशान कर रहा है। तो ये आपको एक अच्छी चीज मिलती है। यही बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे नेविगेशन को लॉक करना है, और चीजें आपको यहाँ मिल जाती है, जैसे स्क्रीन शॉट्स, रिकॉर्डर, स्क्रीन टच लॉक, यानी ये बटन सारे लॉक हो जाएंगे और ये सारी मिलती है। अगर हम चलते हैं सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है ये शॉर्टकट, और शॉर्टकट के अंदर आप देखेंगे
तो सारे शॉर्टकट के ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए एक मिनट, शॉर्टकट्स में चलते हैं। तो ये शॉर्टकट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पर बात करें और चीजों की, तो फिर आपको स्क्रीनशॉट रेजोल्यूशन मिल जाता है, रिकॉर्ड वीडियोस मिल जाती है। रिकॉर्ड वीडियोस के अंदर आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आप अपने फोटो को लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन और गेम साउंड मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे रेजोल्यूशन 1080p की मिलती है, ये देखिए 1080p, और हमने बिट रेट कर रखा है 40 Mbps पे सिलेक्ट। आप ऑटो को भी, ऑटो भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो हमने इसी पे रिकॉर्ड किया है और कोई चेंजेस नहीं है, और माइक्रोफोन का हमने यूज लिया है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से ओवरऑल इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी भी मिलती है। तो चलिए अब देखते हैं रिकॉर्डिंग और पता लगाते हैं किस प्रकार से ओवरऑल क्वालिटी मिलेगी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम खेल रहे हैं S9, और यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से ओवरऑल हमारे को वीडियो क्वालिटी मिलती है, और यहाँ पर क्या गेम एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत आती है क्या। तो चलिए चालू करते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल सा हम खेल देते हैं एक, और देखते हैं ओवरऑल किस प्रकार से मिलती है। हमने साउंड इसकी बंद कर रखी है, बंद करने का कारण यह है कि कहीं स्ट्राइक ना आ जाए, तो इसी कारण हमने इसकी साउंड बंद कर रखी है। परंतु आप देख सकते हैं माइक क्वालिटी किस प्रकार से मिल रही है और किस प्रकार से ओवरऑल गेम एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ओवरऑल आप ग्राफिक्स देखेंगे अच्छे आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, बड़ी स्क्रीन मिलती है, तो इस चीज़ का एक आनंद मिलता ही है कहीं ना कहीं। गाइज ओवरऑल आपने देखा, हमने बीच में स्किप कर दिया था, परंतु स्टार्टिंग से आपने देखा कि किस प्रकार से ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है, किस प्रकार से ओवरऑल आपको वीडियो क्वालिटी मिलती है। अब चलते हैं वापस से और आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से रिकॉर्डिंग मिलती है, इतनी खास नहीं मिलती, फ्रेम ड्रॉप बहुत हो रहे थे, और ओवरऑल इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हमारे को देखना नहीं मिली है, वो भी 14 Mbps बिटरेट पे। तो कुछ इस प्रकार से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब देख लेते हैं किस प्रकार से हमारे को PUBG का एक्सपीरियंस मिलता है, और यहाँ पर पहले हम दिखा देते हैं कि हमने क्या सेटिंग में ऐसे चेंजेस किए हैं जिसके कारण थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्राफिक्स है इसके अंदर हमने कर दिया है स्मूथ और हाई। अगर आप HD और हाई पे रखते हैं तो आपको बहुत गंदा एक्सपीरियंस मिलता है, परंतु स्मूथ और हाई पे रखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो पहले से बेहतर हो जाता है। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं हमने आर्केड लगा रखा है, तो सोलो वाले ही चालू करते हैं, और हो सकता है कि इतना अच्छा हम खेल ना पाए, वैसे भी नहीं खेल पाते, परंतु हो सकता है कि अभी और ना खेल पाए क्योंकि हम यहाँ ट्रिगर को यूज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है ओवरऑल और किस प्रकार से गेमिंग एक्सपीरियंस हमारे को मिलता है। तो यहाँ पर बात करें हीटअप की, तो यहाँ बैक की तरफ हीटअप चालू हो चुकी है, और यहाँ पर आपको हीटअप देखने को मिलती है, तो हीटअप इशू आपको देखने को मिलेगी। परंतु अभी ऐसा नहीं है कि भैया बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे, तो ऐसे इशू नहीं है, पर हाँ हीटअप इशू आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे बात करें अभी, तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर बहुत अच्छी फ्रीली मूव कर रहा है, और अभी तक कहीं कोई हमारे को लैग कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिली है। तो चलिए 5 सेकंड रह गए हैं, और देखते हैं क्या एक्शन में ये फ्रेम ड्रॉप से या कहीं कोई इशू देखने को मिलती है क्या। तो हल्का सा अटका था, परंतु अभी तक और कोई, ये देखिए एक और बार अटका है, ये देखिए फिर से अटका है, और यस अटकना स्टार्ट हो चुका है, परंतु ओवरऑल पहले से ज्यादा अच्छा है हम ये कहेंगे। इतना गंदा नहीं है कि भैया बिल्कुल खेल नहीं पा रहे हैं, पहले तो हम खेल ही नहीं सक रहे थे, और जो एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं था। तो होप सो जिंदा बच जाए। तो अभी तक हमारे को कहीं कोई इशू नहीं देखने मिली है, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। आई डोंट नो साउंड क्यों नहीं आ रहा है, तो आप साउंड भी सुन सकते हैं, और कोशिश है कि हम फ्रेम से बाहर ना निकले। तो गाइज हम किल हो चुके हैं, परंतु ओवरऑल आपने देखा कि किस प्रकार से गेमिंग एक्सपीरियंस मिला है। यहाँ पर अगर आप सेटिंग में चेंजेस कर देते हैं तो पहले से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। अब आपको दिखा देते हैं रिकॉर्डिंग।
तो गाइज आप देख सकते हैं ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अब इसके इंटरनल रिकॉर्डर से, और ओवरऑल आप देख सकेंगे किस प्रकार से क्वालिटी मिल रही है। यहाँ पर चालू करते हैं मैच को और देखते हैं क्या हमारे एक्सपीरियंस में कुछ दिक्कतें आती है, तो लेट्स सी। और यहाँ पर आप सुन भी सकेंगे कि इंटरनल साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, और देखिए आवाज आपको आएगी अभी। देख सकते हैं इंटरनल साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, और बात करें अभी कैसा एक्सपीरियंस है तो अभी ठीक ठाक है, परंतु कहीं ना कहीं हमारे को लैग देखने को मिल चुका है, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के टाइम पर हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू विदाउट रिकॉर्डिंग। चलिए तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं नीचे क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर दिक्कत चालू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा अटक रहा है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है, और हमारे को कहीं ना कहीं अब इशू देखने को मिल चुकी है, और जो हीटअप इशू है वो भी पहले से कहीं ना कहीं हमारे को ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हम आवाज़ बढ़ा देते हैं। तो गाइज बहुत ज़्यादा अटक रहा है और हम कुछ खेल नहीं पा रहे हैं, हमारे को मालूम ही नहीं पड़ रहा है एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो, अगर आप रिकॉर्डिंग के दौरान खेलते हैं तो आपका पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है और आपको इतना मज़ा नहीं आता। तो ओवरऑल आपने देखा कुछ इस प्रकार से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो गाइज आपने देखा होगा किस प्रकार से रिकॉर्डिंग मिलती है, यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग थी एज कम्पेयर टू S9 वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, फ्रेम रेट से यहाँ हमारे को ड्रॉप नहीं देखने मिले हैं, और ओवरऑल जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग आई है वो बहुत स्मूथ थी, परंतु जो गेमिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत गंदा हो चुका था और बहुत लैग देखने मिला था। तो अगर आप 14 Mbps बिट रेट पे करते हैं रिकॉर्डिंग तो यहाँ आपको दिक्कत देखने मिलेगी, लैग देखने मिलेगा, और यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो जो मज़ा है वो कम हो जाएगा और इतना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको Samsung Galaxy M20 में गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप हमारे से पूछते हैं क्या हम PUBG के लिए M20 को खरीदें, तो नहीं बिल्कुल मत खरीदिएगा क्योंकि आपको इतना अच्छा मजा नहीं आने वाला है। तो ओवरऑल कुछ इसी प्रकार से था ये हमारा गेमिंग रिव्यू, और माफी भी चाहते हैं कि गेमिंग रिव्यू जो है वो हद से ज्यादा बड़ा बन चुका है, तो माफी चाहेंगे और कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दिखा सके। तो बताइएगा जरूर से कैसा लगा आज का वीडियो, और अगर कोई मदद चाहिए कुछ पूछना है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन साड़ा, भारत माता की जय।